ओम शांति आपका स्वागत है आज हम रिकॉर्डिंग करेंगे 27 जून की कल का जो मिस हो गया था आपको आज सुबह सुनने के लिए मिलेगा और 28 जून का आपको आज शाम को सुनने के लिए मिलेगा तो परमपिता परमात्मा हमें पालना देते हैं और परमात्मा हमें अधिकार देते हैं उनके सारे शक्तियों का सारे गुणों का प्रेम सुख आनंद के ऊपर अधिकार देते हैं लेकिन वो अधिकार हम कब पाते हैं कैसे पाते हैं आज उसके बारे में हम पता करेंगे परमात्मा कहते हैं परमात्मा श्रीमत के आधार पर श्रीमत मतलब होगी गाइडेंस गॉडली हाईएस्ट गॉडली गाइडेंस जैसे कि बच्चे को माता पिता की गाइडेंस मिलती है लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं परमात्मा की श्रीमत गॉडली गाइडेंस तो परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले कि भगवान ने जो कहा उस अनुसार में मैं ये सोचू बोलू और कर्म करूं अविनाशी वर्से के अधिकारी भवा संगम युग पर अब ये संगम युग क्या है इंसान को आज सिर्फ इतना पता है कि सत्युग त्रेता द्वापर का युग होता है जिसको इंग्लिश में गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज एंड आयरन एज कहा जाता है लेकिन अभी चल रहा है संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग ये वैसे ही है जैसे कि एक कैलेंडर में दिखाया जाता है कि इंग्लिश कैलेंडर में देखें तो हर चार साल के बाद में आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है फेब्रवरी मास में और अगर आप हमारा भारतीय कैलेंडर देखें तो विक्रमादित्य कैलेंडर में आपको दिखता है कि हर चार सालों के बाद में एक मास जो जु, जुड़ता है आपका एक महीना जुड़ता है जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है ये वही पुरुषोत्तम युग है वो तो महीने की बात हुई चार साल की बात हुई यहाँ पर चार युगों के खत्म होने के बाद में कलयुग का अंत और सत्युग के आदि मतलब स्टार्टिंग के बीच का जो समय होता है जो कि अंधकार से हम भोर की तरफ जाते हैं सुबह की तरफ जाते हैं वो समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम युग जहां पर चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधकार है घर घर में देश विदेश में तो उस अंधकार से जैसे बारह बजे का होता है ना एकदम एक्सट्रीम डार्कनेस होती है फिर आस्ते आते तीन चार जब होता है सो कहते हैं हैं कि हम तो दिन की तरफ बढ़ चले वैसे ही ये अंधकार कलयुग का अंधकार अब खत्म होने वाला है तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप ये जो युग चल रहा है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है इस समय हमें गॉडली गाइडेंस मिल रही है कि कैसे हम अपने आप को बुरे कर्मों से मुक्त करें ताकि हम परम धाम वापिस लौट पाए और स्वर्ग में जाने के लायक धरती में स्वर्ग होगा फिर से कलयुग का अंत होने के बाद उस स्वर्ग में आने के लायक बन पाए यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है जैसे एक माता पिता होते हैं अपने बच्चे की पालना करते हैं यहाँ पर हमें परम पिता परमात्मा जिनको कई धर्म में माता पिता भी कहा जाता है कहीं जगह पर सिर्फ पिता माना जाता है कहीं पर सिर्फ क्रिएटर रचेता माना जाता है लेकिन वो हमें जब ये ज्ञान देते तो ऐसे महसूस होता है जैसे कि जैसे कि एक खुद के माता पिता ही हमें गाइड कर रहे हों बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते क्योंकि अगर कदम उठाया तो पाप ही पाप उठेंगे क्योंकि हमारी बुद्धि कलयुग में बिल्कुल कल हो चुकी है आयरन एज्ड हो चुकी है और आयरन को जल्दी क्या लगता है रस लगता है तो हमारी बुद्धि को भी क्या होता है जल्दी दुख का रस्ट अहंकार का रस्ट ईर्ष्या घृणा नफरत आलस्य का रस्ट लग जाता है फटाफट -फट। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से कोई कर्म करोगे तो पाप कर्म करोगे लेकिन मेरी श्रीमत के अनुसार कर्म करोगे तो पुण्य कर्म करोगे अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है हमें महसूस होता है जिन्होंने भी ब्रह्म कुमारी डे कोर्स को किया है और उन्होंने मेडिटेशन करनी शुरू करी है उनको महसूस होता है कदम कदम पर कि परमात्मा हमारे साथ है ऐसी पालना में भी नहीं मिलेगी गोल्डन एज में परमात्मा को ये पालना देने की क्या जरूरत है जब सारी आत्माएं वहां पर कलयुग के अंत में पवित्र होकर के सत्युग में चली जाती हैं जिन जिन्होंने ये ज्ञान लिया है तो उनको ये पालना की फिर से क्या जरूरत है फिर से क्यों पढ़ने की जरूरत है फिर से क्यों अपने आपको पवित्र बनाने की जरूरत है फिर से क्यों अपनी बुद्धि को फिर से पवित्र बनाने की जरूरत है क्योंकि पवित्र तो बन गई कलयुग में पुरुषार्थ किया कलयुग के अंत में जिसको संगम भी कहा जाता है और सत्य को आ गया और पवित्र बनकर के चले गए फिर से क्यों हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है फिर से क्यों पवित्र बनने की जरूरत है जरूरत नहीं है यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्से के अधिकारी अनुभव करेंगे अगर यह नशा रहेगी ये कॉन्फ्रेंस एज या संगम एक चल रहा है परमात्मा हमें गाइडेंस दे रहे हैं और परमात्मा की गाइडेंस से हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है और ये नशा अगर सदा रहे तो अविनाशी जो खजाने हैं परमात्मा के गुणों के ज्ञान के शक्तियों के वो सदा साथ रहेंगे और हम कभी भूलेंगे नहीं और हमें हमेशा ताकतवर महसूस होगा दिन भर हमें ऐसे लगेगा कि हम विजय आत्मा हैं कोई भी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं हल्के होकर के आज का ये सूर्य वरदान इसको और कह रहा है इसे समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस संगम युग के बारे में जाने कौन सा युग चल रहा है कैसे चल रहा है ये संगम युग कैसे आ गया ये संगम युग कैसे परमात्मा की पालना मिल रही है ये सब कुछ सिखाया जाएगा आपको इसके साथ ओम शांति